कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में सबसे हॉट टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो है सबसे हॉट टॉपिक आ रहा है टाटा सन्स और जेट एयरवेज की डील। जी हाँ दोस्तों, टाटा और जेट एयरवेज की जो डील है आजकल मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसके चलते जेट एयरवेज का स्टॉक सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाला स्टॉक है आजकल। हर कोई जानना चाहता है कि इस डील का क्या आउटपुट निकलेगा और क्या सारी बातें यहाँ पे चल रही है। क्या टाटा ग्रुप जेट एयरवेज को खरीद लेगा, खरीदने के बाद क्या करेगा, किस तरीके से चलाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये डील से किसको सबसे बड़ा फायदा होगा। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे जेट एयरवेज क्या करता है, उसके बाद बात करेंगे टाटा ग्रुप की कि टाटा ग्रुप एविएशन सेक्टर में क्या करना चाह रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसे कि आप सभी को लोगों को पता है कि जेट एयरवेज एक इंडियन एयरलाइंस है, बेसिकली एक इंडिया की एयरलाइंस है जो कि फुल कैरियर सर्विस में डील करती है। फुल कैरियर सर्विस का मतलब ये है कि उनके जहाजों में आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि आप अगर दूर की फ्लाइट है तो आपको कंबल मिलेगा, पिलो मिलेगा, आप आराम से खा सकते हैं, जो सीट होंगी वो कम्फर्ट वाली होंगी, इंटरटेनमेंट के लिए आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो सर्विस आती है ये फुल कैरियर सर्विस में आती हैं। तो यहाँ पे जेट एयरवेज काफ़ी दिन से, अगर कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था मार्केट में अपने आप को टिके रहने पे, बट वो स्ट्रगल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो जैसे कि ख़त्म होता जा रहा है तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि अब जो नरेश गोयल हैं जिन्होंने ये एयरलाइंस फाउंडेड करी थी, उनके पास जो स्टेक है वो करीब 51% का स्टेक है। उसके बाद करीब 24% का अबू धाबी बेस्ड एथियाड एयरवेज के पास है। तो ये बड़ा स्टेक है जो कि ये दो ग्रुप के पास है, बेसिकली गोयल फैमिली के पास और एथियाड के पास। बाकी छोटा मोटा कुछ आदित्य बिरला के पास है, कुछ LIC के पास है, तो ऐसा सिस्टम है। अब नरेश गोयल की यहाँ पे दिक्कत क्या है कि नरेश गोयल चाहते हैं कि उनको फंड मिले कहीं से ताकि वो एयरलाइंस को इस जो एक बैड फेस चल रहा है उससे बाहर निकाल सकें, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर एयरलाइंस के पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये अपने एम्प्लॉय की सैलरी दे सकें, एयरक्राफ्ट की लीज भर सकें, अपने जो फ्यूल की कॉस्ट होती है उसको भी ये यहाँ से तेल खरीद के आगे वो सेक्टर ऑपरेट कर सकें। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत सामने है जेट एयरवेज के पास। अब जेट एयरवेज ने यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया है वो ये अनाउंसमेंट किया है कि वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं, बट यहाँ पे जो थोड़े दिन पहले की दिक्कत ये थी कि नरेश गोयल अपना कह सकते हैं कंट्रोलिंग स्टेक नहीं छोड़ना चाहते थे कि हम कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास कंट्रोलिंग पावर हमारे पास ही रहेगी। बट फिर कुछ दिन बाद वो इस चीज़ पे भी एग्री हो गए कि वो कंट्रोलिंग पावर छोड़ देंगे और जितना एज पॉसिबल जितना स्टेक बेच सकते हैं उतना बेच देंगे एयरलाइंस को बाहर लाने के लिए। अब इस चीज़ के चलते यहाँ पे उन्होंने पहले डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स के पास गए, सबके पास गए, बट किसी ने मदद नहीं करी है। तो फाइनली यहाँ पे टाटा ग्रुप का यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो जेट को खरीद सकते हैं। तो ये जेट टाटा ग्रुप की ये डील इस तरीके से स्टार्ट हुई है। अब टाटा ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं कि जेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब टाटा ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टाटा ग्रुप हमेशा चाहता है कि वो एक एयरलाइंस एटलीस्ट ऑपरेट करे, ये उनका सपना कह सकते हैं, एक ड्रीम है उनका कि हमेशा वो एक एयरलाइंस ऑपरेट करें। अगर मैं बहुत पुरानी बात करूं तो ऑलरेडी जो एयर इंडिया भी जो गवर्नमेंट के पास है ये बेसिकली टाटा ग्रुप ने ही स्टार्ट करी थी, जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट करी थी ये एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस के नाम से ये चलती थी, फिर ये गवर्नमेंट को दे दी गई और गवर्नमेंट इसको चला रही है। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर जब अनाउंस किया था कि वो एयर इंडिया को बेच रहे हैं तो वहाँ पे भी टाटा ग्रुप का इंटरेस्ट ज़्यादा था, बट जो एयर इंडिया की कंडीशन है कि वो करीब 7,000 करोड़ के कह सकते हैं डेट में वो कंपनी है, तो इतनी बड़े डेट को कंपनी को लेने के बाद उतना बड़ा डेट देने से अच्छा ये कि आप नई एयरलाइंस स्टार्ट कर लो। तो वही यहाँ पे टाटा ग्रुप ने किया कि टाटा ग्रुप ऑलरेडी इंडिया में दो एयरलाइंस चला रहा है, एक है बेसिकली एयर एशिया और दूसरा है विस्टारा। एयर एशिया बेसिकली यहाँ पे जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और एयर एशिया जो सिंगापुर की एयरलाइंस है उसके बीच में, सॉरी सिंगापुर की नहीं, मलेशिया की जो एयरलाइंस है एयर एशिया उनके बीच में यहाँ पे जॉइंट वेंचर है, और जो विस्टारा है वो सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ग्रुप के बीच की जॉइंट वेंचर है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि टाटा ग्रुप चाहता है
कि जो इनकी विस्तारा है वो फुल कैरियर सर्विस में डील करती है। जो एयर एशिया है वो इतना बड़ा स्टैंड भी नहीं रखती है क्योंकि वो एक लो कॉस्ट कैरियर है और अभी इतने ज़्यादा सेक्टर ऑपरेट नहीं करती है। बट विस्तारा है, उसको ये काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान कर रहे हैं एक्सपेंड करने में। बट यहाँ पे क्या होता है कि एविएशन सेक्टर में दिक्कत क्या होती है, दिक्कत आती है रूल रेगुलेशन की, कि यहाँ पे जैसे इंडिया के अंदर अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है आपको अगर फ्लाइंग का, तो आप इंटरनेशनल स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी आपकी जो एयरलाइंस है कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए तभी आप एक इंटरनेशनल एयरलाइंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे विस्तारा के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज़ है कि ऑलरेडी हर एयरपोर्ट पे इतने सारे एयरक्राफ्ट पहले से ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे नया रूट उनको इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो इसीलिए टाटा ग्रुप का यहाँ पे जेट एयरवेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो इसको खरीदें और कंट्रोलिंग पावर यहाँ पे टाटा ग्रुप के पास आए, ताकि जब जेट एयरवेज वो खरीद लेंगे तो उसको विस्तारा के साथ मर्ज कर देंगे और इनको एक ही साथ बहुत सारे सेक्टर्स के लिए यहाँ पे इनको रूट मिल जाएंगे और फिर ये अपनी सर्विस को तेजी से बढ़ा सकते हैं। यही टाटा ग्रुप का एक ड्रीम है कि एक एयरलाइंस फुल कैरियर में कह सकते हैं कि सबसे अच्छी एयरलाइंस बना के दिखाएं, क्योंकि फुल कैरियर में अगर देखा जाए तो एयर इंडिया और जेट एयरवेज ही हैं और विस्तारा है। अगर विस्तारा और जेट एयरवेज मिल जाएंगे तो यहाँ पे सबसे अच्छा कॉम्पिटिशन दे पाएंगे एयर इंडिया को। एयर इंडिया वैसे ही एक लॉस मेकिंग यूनिट है, तो एयर इंडिया इतने अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट जब तक चला रही है तब तक चला रही है, कल को अगर कोई उसको खरीदने वाला आ गया तो उसको बेच भी देगी, बट उसको कोई खरीदार मिल नहीं रहा है तो उसका क्या है, अल्टीमेटली कभी ना कभी वो बंद हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे जेट को होगा और जेट और विस्तारा को होगा। तो टाटा ग्रुप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बेसिस में सोच के इस डील को करना चाह रहा है, तो यही डील का सबसे बड़ा आउटपुट है। अब समझ लो ये डील हो जाती है तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, सबसे बड़ा फायदा होगा यहाँ पे जेट एयरवेज को ही, क्योंकि जेट एयरवेज के पास कोई चारा नहीं बचा। चारा का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है स्टेक सेल करने के अलावा, क्योंकि या तो एयरलाइंस बंद हो जाएगी, अगर एयरलाइंस बंद हो सकते हैं, हमारे इंडिया में गिनी चुनी तो एयरलाइंस है, उंगलियों पे गिन जाती है, एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, गो एयर, बस विस्तारा, एयर एशिया। तो ये गिनी चुनी एयरलाइंस में से अगर एक एयरलाइंस बंद हो जाती है तो ये काफ़ी एक कह सकते हैं कि बैड थिंग है हमारे इंडिया के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी यहाँ पे पूरी पूरी हेल्प कर रही है टाटा ग्रुप की, वो चाहते हैं कि यहाँ पे वो जेट को खरीदें और ये कंपनी जो है बंद ना हो, क्योंकि किंग फिशर एक एयरलाइंस थी जो कि काफ़ी बड़ी एयरलाइंस थी, वो बंद हो गई थी प्योरली, आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद है वो। अब ये अगर जेट एयरवेज भी बंद हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो फिर यहाँ पे इंडिया के लिए काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंडिया में क्या है कि एविएशन बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सब कुछ मैटर करता है क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल ऊपर जाता है ये कंपनियाँ लॉस मेकिंग हो जाती हैं और बड़ा बड़ा लॉस पोस्ट करती हैं, जब तक क्रूड नीचे है तब तक ये कंपनियाँ ठीक ठाक चल जाती हैं। तो ये चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे टाटा ग्रुप इंटरेस्टेड है जेट एयरवेज को खरीदने के लिए, क्योंकि टाटा एयर ग्रुप का जो प्लान है वो यही है कि जेट को वो खरीदेंगे, विस्टारा के साथ मर्ज करेंगे और पूरे एक साथ उनको सारे रूट खुल जाएंगे। ऑलरेडी जेट एयरवेज के पास 124 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से कह सकते हैं बोइंग 737 है उनके पास, एयरबस 330 है, तो ये सारे काफ़ी बड़ी एयरक्राफ्ट हैं और लॉन्ग रूट पे चलते हैं ये एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट है, तो एक साथ इनके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा। ये इंटरनेशनल फ्लाई कर सकते हैं ईजिली और इनका बहुत जरिए से बहुत सारे रूट खुलने से बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि लोड फैक्टर बढ़ेगा, इन पे पैसेंजर शिफ्ट होंगे और पैसेंजर जब शिफ्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि एयरलाइंस तेजी से ग्रो भी करेगी। तो यही टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा प्लान है। अब देखते हैं ये अनाउंसमेंट कब आता है। फायदा जो सबसे बड़ा होगा वो जेट को ही होगा और ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक अगर देखा जाए तो 168 का लो था और अगर मैं आज की बात करूँ तो आज का जो करीब 343 पे ट्रेड कर रहा है अभी 7% ऊपर है, तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया ये स्टॉक। तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे जेट को ही है। अब देखते हैं यहाँ पे कि एक बार अनाउंस हो जाए क्या डील हुई है, किस तरीके से हुई है, उसके बाद यहाँ पे जेट एयरवेज का स्टॉक को खरीदा जा सकता है। बट अभी तो ऑलरेडी स्टॉक ने जो रूमर्स थे उसके चलते बहुत अच्छा गेन दे दिया है, अब आगे कितना जाएगा ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।